वेलकम टू आरबी क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। आपने यहाँ पे जो नीचे आपको सेट्स दिए हैं, ये पहचानना है कि इनमें से नल सेट कौन सा है। तो मैंने आपको बताया नल सेट कौन सा होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपने सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो कि डिविजिबल बाय है 2 से। तो आपको पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? अगर मैं ऑड नंबर्स का सेट बनाऊं तो क्या बनेगा, 1, 3, 5, 7, इसी तरीके से चलेंगे आगे, है ना। तो ये होते हैं ऑड नंबर्स। क्या ये डिविजिबल होते हैं 2 से? नहीं होते, है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये एक नल सेट है। ये कौन सा सेट है, एक नल सेट है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इट इज ए नल सेट, क्लियर है। सेकंड आ गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, तो वो कौन सा सेट है, वो एक ही बनेगा आपका 2, है ना। यही है ना, एक इवन और प्राइम दोनों, तो ये तो खाली नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट अ नल सेट, नॉट नल सेट, ठीक है। आप अच्छे से पूरी लाइन बना के लिखना। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जिसमें एक्स जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए, दोनों कंडीशंस एक ही टाइम पे। मतलब एक्स जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होगा तो 4 तक होगा ना, 1, 2, 3, 4, लेकिन वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल आ गई आपके नल सेट की, ठीक है। फोर्थ वन है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई 2 पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का कॉमन पॉइंट आपने निकालना है। भाई देखो, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, इसी के पैरेलल जा रही है। अब इन दोनों के बीच कोई कॉमन पॉइंट आएगा नहीं, ये अपने ये पैरेलल है। कब कॉमन पॉइंट कब आता है, जब कोई 2 लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तभी कॉमन पॉइंट आता है ना। ये जो पॉइंट होता है, इसको हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा कोई भी सेट ही होता जिसमें 2 पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट आए, तो इसका मतलब ये भी किसकी एग्जांपल है, नल सेट की एग्जांपल है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, जो फाइनाइट होते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट होते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पार्ट है द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो मंथ्स ऑफ ईयर आप काउंट कर सकते हो ना, 12 होते हैं, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, फाइनाइट सेट आ गया। ये कौन सा सेट आ गया, फाइनाइट सेट आ गया, ठीक है। अब 1, 2, 3 और ये डॉट डॉट डाले, मतलब ये चले जा रही है आगे, सीरीज रुकी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सेट आ गया, हमें थोड़े पता है कहाँ तक चल जा रहा है ये, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 100। तो ये एक लिमिट पता चल रही है ना कि यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पे खत्म हो रहा है। तो जहां पे काउंटेबल है एलिमेंट्स, उनको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, है ना। फोर्थ वन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब आपने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बनाने हैं 100 से ऊपर। तो 100 से ऊपर देखो भाई, वो क्या बनेगा, 101, 102, 100 से ऊपर, कोई लिमिट नहीं दी उन्होंने, तो 100 से ऊपर वो कितने भी बन जाएंगे। इसका मतलब ऐसे बनेगा ना सेट, इसका मतलब ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसके आगे आप लिख दोगे कि ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर बनाना है लेस देन 99, तो वो कितने भी हो सकते हैं, 1, 2 कहाँ तक होंगे, एक लिमिट होगी ना, 99 से कम तक बनाना है, तो 98 तक बनेंगे, है ना, बनेंगे ना। तो एक लिमिट हो गई ना यहाँ पे, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये इतने 98 है। तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा आपका, फाइनाइट सेट, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है।
तो देखो सेट्स ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपने सेट्स ऑफ लाइन बतानी है जो पैरेलल होती हैं एक्स एक्सिस के। तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं आपको एग्जांपल से बता यहाँ से बताती हूँ, थोड़ा सा देखिएगा जरा। ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, पता है ना, एक्स डैश। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो ये हम कितनी भी ड्रॉ करते जाएंगे, इसकी कोई काउंटिंग है क्या? नहीं है ना। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, क्लियर है। सेकेंड वन है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उनका सेट, तो हाँ भाई वो ए से लेके जेड तक होता है ना, ए टू जेड होते हैं ना अल्फाबेट। तो इसका मतलब ये क्या है आपका? फाइनाइट फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव। मल्टीपल ऑफ फाइव तो वो तो कितने भी होंगे ना, फाइव से स्टार्ट हो जाओ, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव टेन फिफ्टीन, इसी तरीके से चलता जाएगा। कोई लिमिट इसमें नहीं बताई उन्होंने, तो इसका मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हम इसका सेट बना सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या आएगा आपका? फाइनाइट सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लास्ट वन पार्ट है आपका कि आपने सर्कल बनाने हैं जो पास कर रहे हैं ओरिजिन से। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है आपका, तो ये आपका ओरिजिन होता है ना। यहां से आप कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, वन टू थ्री, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो ना। तो ये भी क्या, किसकी एग्जांपल होगी आपकी? इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल होगी। तो ये आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इनफाइनाइट सेट, क्लियर है। थैंक यू।